हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं विनायक शर्मा, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। तो आज मैं एक ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। मैं अभी फॉरकटिंग जंक्शन में हूँ, जो हमारे मेरे होम टाउन गोलाघाट का मतलब सबसे क्लोजेस्ट जंक्शन है। तो यहाँ से अभी मैं गुवाहाटी जाऊँगा। आज रात गुवाहाटी एक दोस्त के रूम में स्टे करूँगा। उसके बाद कल सुबह हम निकलेंगे शिलोंग, मेघालय के लिए। तो ये हम निकल गए हैं मेघालय के लिए, शिलोंग के लिए। कल रात को हम पहुंचे गुवाहाटी और आज अभी हम निकल गए हैं वहां के लिए। कल रात में स्टे किया मेरे दोस्त के घर पे। तो अभी हम लोग चार जन जा रहे हैं, पर बाकी तीन जो मेरे दोस्त जा रहे हैं उनका थोड़ा सीक्रेसी है कि वीडियो में फेस रिवील नहीं करना है, तो ऐसे रहेगा वीडियो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ जाते वक्त। ये जैसे आप देख रहे हो, इस डिवाइडर के लेफ्ट साइड को असम है इस साइड को, और राइट साइड को मेघालय है। तो अभी हम जा रहे थे तो एक ढाबा में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, सरदार जी दा ढाबा। तो ये दही और पराठा तो हमने खा लिया खाना। और ये देखिए बगल में ऐसे स्टॉल्स लगे रहते हैं पूरे रास्ते में, ऐसे मैंने स्टॉल्स देखे छोटे छोटे, लोकल हैं, होममेड अचार्स वगैरह यहाँ के, फिर हो गए पाइनएप्पल्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। तो कुछ लेते हैं यहाँ से खाने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शिलोंग का एंट्री पॉइंट, तो ये हम उमियम लेक का जो व्यू पॉइंट है शिलोंग का, ये हम व्यू यहाँ 80 रुपीज पर हेड टिकट है और हम अभी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली आते वक्त रास्ते में भी एक मिलता है व्यू, पर वहाँ से अच्छे से नहीं दिखता। हम गाड़ी रुका के वहाँ से फ्री में भी देख सकते हैं, पर हम लोग को अच्छे से देखना था तो हम ये अंदर वाले प्रॉपर व्यू पॉइंट में जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है उमियम लेक का व्यू पॉइंट। बहुत बड़ा लेक है और बहुत सुंदर है। शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस ब्यूटी को, पर मतलब बहुत सुंदर है। उस साइड को देखिए, मतलब लगता है कि वो डोरेमोन में जैसा दिखाता है ना पहाड़ी, वैसा टाइप का लग रहा है। और उधर देखिए, बोटिंग वगैरह अभी अवेलेबल है यहाँ पे। और एक बोट का शायद 500 है, थ्री पीपल्स एक बोट में जा सकते हैं। ऐसे देखिए बोटिंग वगैरह है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, मतलब वर्थ विजिटिंग है, बहुत प्यारा जगह है। वो देखिए ऐसे बोटिंग होता है तीन जनों का, मोटर बोट है, स्पीड बोट। तो पूरा ये लेक का इस जो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, एक आइलैंड टाइप से, तो इसका पूरा राउंड लगाते हैं ऐसे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। और अब हमें निकल गए उमियम लेक से और हम जा रहे हैं शिलोंग टाउन की तरफ। Continue for 800. तो ये हमने होटल में चेक इन कर लिया और फ्रेश हो गए। अब हम निकल रहे लाइट लूम के लिए। ये देखिए हम पहुंच गए लाइट लूम। जस्ट व्यू देखिए एक बार, आप लोग व्यू देखिए एक बार,
मतलब बोल सकते हो कि हेवन ऑन अर्थ है। चलिए आप लोगों को क्लोज दिखाता हूँ, कुछ खा लेते हैं पहले, यहाँ लोकल खाने का आइटम मिलता है फिर। तो हमने मैगी खा लिया और ये भुट्टा लिया एक, और ये सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते करते जा रहे हैं भुट्टा खाते। ये देखिए यहाँ के लोकल लोग, ये देखिए ये व्यू पॉइंट यहाँ का। ये व्यू के साथ देखिए इधर मसाला मुड़ी बनाते हुए, ये बन गया मसाला मुड़ी। ये देखिए मस्त ठंडी हवा चल रही है शाम की, और मतलब जो एक्सपीरियंस है ना यहाँ का, जो शांति है, जो फील है, मतलब अनकम्पेरेबल है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए यहाँ के लोकल्स बच्चे। यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी ऐसे रास्ता बना के रखा है, और ये देखिए यहाँ का ब्यूटी, मतलब जो हवा चल रहा है ना वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। और ये देखिए नीचे छोटे छोटे वाटरफॉल्स है, शायद आप लोग को दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक वाटरफॉल है, फिर बहुत सारे वाटरफॉल है जो मतलब ऐसे नेकेड आई से विजिबल है पर कैमरे में दिख नहीं रहा है मुझे। पहुंच गए लाइटलूम से आके, और अभी हम शिलोंग का मार्केट जो पुलिस बाजार है, पुलिस बाजार घूमने आए हैं। ये देखिए ये है मार्केट यहाँ का। बहुत बड़ा मार्केट है और अच्छा है। ये देखिए ऐसे सब कुछ, जैसे ड्रीम कैचर वगैरह हो गया लोकल मार्केट में, ऐसे सब कुछ मिलता है, छोटे छोटे शो पीस वगैरह यहाँ से, और फ्रूट्स के शॉप भी रहते हैं। और यहाँ का जो पाइनएप्पल है ना बहुत स्वीट होता है यहाँ का, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो ये छोटा सा पैकेट 20 रुपीज़ का मिलता है, ऐसे नमक वमक डाल के देते हैं, अच्छा लगता है, वो रिफ्रेशिंग रहता है। तो फाइनली पूरा और घूमने के बाद ये चावल नसीब हुआ एक दिन के बाद, तो चलिए ये खा लेते हैं पहले और फिर चलते हैं रूम, बहुत थकान भी हो रही है आज। तो हम निकल गए हैं होटल से और चेरापूंजी की तरफ जा रहे हैं आज। तो चेरापूंजी जाते जाते ये देखिए कुछ शिलोंग पीक करके एक एयरफोर्स स्टेशन है, उधर आगे टिकट मिलता है, तो टिकट लेके फिर लोकल गाड़ी में अंदर लेके जाएंगे बोले। हमें लगा कि डायरेक्ट कोई स्पॉट होगा, पर हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे तो सीधा चेरापूंजी के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। इधर से आ रहे थे और ये कोई एक स्टे करने का जगह है शायद मेघालय टूरिज्म का, बहुत सुंदर है, यहाँ कोई मूवी का शूटिंग भी हुआ था पहले, देखिए जगह को। तो हम लोग पूछने आए हैं अगर थोड़ा चीप, अगर कुछ लिमिट में हो जाए तो एक मतलब उस टाइप में मिल जाए तो यहीं स्टे करेंगे आज, या फिर बहुत एक्सपेंसिव हुआ तो फिर नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कैसा है। ये यहाँ यही वाला यहाँ का कैफ़े है, और इधर से टेंट में स्टेज था पर अनफॉर्चुनेटली सारे बुकड है आज के लिए, तो नहीं हो पाएगा यहाँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये ब्रिज है चेरापूंजी का एंट्री पॉइंट, और ऐसे एंट्री करके हम इधर देखिए ऐसे दुकान वगैरह है, शॉप्स वगैरह, और इधर को एक स्पॉट जाती है, वाटरफॉल है कोई सा नीचे जाके, तो वो देखने जाते हैं। चलिए नीचे। ऐसे रोड साइड में देखिए ऐसे बहुत सारे भुट्टे के स्टॉल्स, और ऐसे पार्किंग है इधर पूरा। ये ले लिया भुट्टा, और चलिए अब चलते हैं नीचे। तो ऐसे नीचे उतरना पड़ता है।
ऐसे नीचे आके फिर यहाँ से एंट्री पॉइंट है यहाँ का, ₹50 पर हेड है। तो ये देखिए, फॉग देखिए आप और सीनिक ब्यूटी देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है, वर्थ विजिटिंग है। पर शायद बहुत नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से, ऑलरेडी हम बहुत ऊँचा उतर चुके हैं, फिर दूसरे स्पॉट भी जाना है, फिर रेंट भी ढूंढना है। तो चलिए अभी यहाँ से शायद ऊपर ही चल लेते हैं हम। तो हम फाइनली आ गए ऊपर और अब चलिए चलते हैं दूसरे स्पॉट की तरफ। आगे हमारी गाड़ी वहाँ रुकाई हुई है, तो चलते हैं। चलिए निकल ही रहे थे हम, तो इस फिर सोचा टाइम हो ही रहा था तो लंच कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे एक रेस्टोरेंट है और इधर हम फ्रेश व्रेश भी हो लिए क्योंकि फ्रेश होने का जगह है, पूरा पे न्यूज़ टॉयलेट है। और ये देखिए व्यू देखिए यहाँ का, और यहाँ रेस्टोरेंट है, कुछ खा लेते हैं। तो ये चाउमीन और वेज चाउमीन और कॉफ़ी लिया था, ठंडी वेदर है पूरा, बिल्कुल हमारे उधर की ठंड जैसी है। तो चलिए खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। खाना पीना कर लिया और हम ये निकलने वाले, देखिए पूरा यहाँ फॉग से कवर हो गया पूरा एरिया, और जिप लाइनिंग का भी था पर अभी क्योंकि फॉग है पूरा तो हमें दिखा नहीं कुछ वैसे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं इसको और निकलते हैं। कोई एक दूसरे स्पॉट पे आके रुका है अभी, और ये ऐसे ऊपर जाना पड़ता है, तो चलिए जाके देखते हैं ऊपर। तो इधर देखिए ऐसे वाटरफॉल है और ऐसे ऊपर एक व्यू पॉइंट है, चलिए चल के देखते हैं ऊपर। एंट्री यहाँ पे ₹20 पर हेड एंट्री है और ऐसे जाना है ऊपर। वाटरफॉल टाइप से दिख रहा है पर नेचुरल तो नहीं लगता मुझे, ये शायद कुछ डैम टाइप का होगा, देखते हैं उस तरफ क्या है। ये ऊपर चढ़ के ये 75th आज़ादी का महोत्सव का ऐसा बैनर लगाया हुआ है, सल्यूटेशंस टू द हीरोज। हाँ सच बात है ये तो। और इधर देखिए ये नेचुरल मतलब वाटर है पर ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ डैम है। तो ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, देखिए ऊपर आके उधर को भी है ऐसे चढ़ के व्यू पॉइंट, फिर उधर को भी है, ये देखिए इधर भी है ऐसा व्यू पॉइंट, पर सेम ही चीज़ होगा चारों तरफ, तो शायद ज़्यादा एक ही जगह पे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बहुत लेकिन है बहुत प्यारा लग रहा है व्यू पॉइंट, और मेरे तिरंगे के साथ हमारे तिरंगे के साथ और भी सुंदर लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अभी नीचे चलते हैं। जा रहे थे और देखिए ऐसे थोड़ी देर के रुक गए थे यहाँ पे, अभी धूप निकल रहा है थोड़ा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। हम आ गए इको पार्क, इको पार्क नाम का एक जगह है यहीं पे सोहरा में चेरापूंजी, और इधर जाके अभी जो मतलब सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है ना इसमें, उसमें हम जाएंगे अभी, तो वो यहीं इसी के नीचे यहीं से स्टार्ट होता है बोलते हैं। तो चलिए जाते हैं देखते हैं। ये यहाँ का ले लिया आइसक्रीम और अभी ठंडी में बैठ के उधर खाएंगे आइसक्रीम। ये इधर इको पार्क के अंदर ऐसे पूरा अभी फॉग हो गया फट से देखिए, और वैसे पार्क वगैरह भी है अंदर। यहाँ का वेदर का कुछ हो ही नहीं, देखिए अभी जब हम आ रहे थे तो बिल्कुल धूप था, और अभी देखिए यहाँ पे कैसा पूरा मतलब फॉग हो गया पूरा। ये देखिए अभी हम जैसे नेक्स्ट सेवन सिस्टर्स देखने जाने वाले थे तो अभी पूरा फिर से फॉग कवर हो गया, तो दिखेगा नहीं शायद। और ऐसे यहीं से स्टार्ट होता है फॉल, इसी के नीचे ऐसे सातों वाटरफॉल्स हैं, पर अभी शायद ही दिखे, तो देखते हैं अगर दिखेगा तो व्यू पॉइंट से। ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूरा फॉग था, अभी देखिए फिर से फॉग हट गया, और हम ये देखिए व्यू यहाँ से, तो ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना आप लोगों को दूर वाला जो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये सामने वाला नहीं, उसके उधर बांग्लादेश है, और वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, और वो क्रॉस करके ही उधर सीधा बांग्लादेश है उसके ये वाले पहाड़ के उस तरफ। और ये वाला जो सेवन सिस्टर फॉल्स जो है वो यहीं पे है, और उधर को अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, और यहाँ से हम व्यू पॉइंट है सेवन सिस्टर फॉल्स का, वहाँ से हम देखेंगे सेवन सिस्टर फॉल को। तो ये देखिए इको पार्क में से कॉटेजेस भी बन रहे हैं रहने के लिए, ये देखिए बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ से, ये कॉटेज है और इसका सीधा ऐसे देखा जाए तो ये व्यू है यहाँ का, ये कितना अच्छा लगेगा।
मैंने जैसे कहा था थोड़ी देर पहले कि फॉग था तब दिख नहीं रहा था, ये सेवन सिस्टर फॉल का एक ओरिजिन है और नीचे से ऐसे फट के और बन जाता है। तो ये देखिए ऐसे ये है व्यू और ये मैं ऐसे बैठा हूँ, प्रॉपर इन्फिनिटी पूल का मज़ा ले रहा हूँ यहाँ से। और ये देखिए है एक वाटरफॉल का ओरिजिन और यहाँ में से उतर सकते हैं पानी में। देखिए ये है जो मैंने कहा था कि व्यू पॉइंट में आएंगे सेवन सिस्टर्स का, ये है सेवन सिस्टर्स फॉल। देखिए मैंने जो बोला था कि उधर जाएंगे ये वाला, यहीं पे थे हम, इको पार्क वहीं से आए हैं हम। ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो हट मैंने दिखाया था स्टे के लिए बन रहा है, वही वाला हट है, यहीं पे खड़े थे हम। ये बहुत सुंदर है। उधर देखिए वो जो मैंने बांग्लादेश बताया था आप लोगों को, वहाँ पे ये वाला, इधर उस साइड को ये वाला बांग्लादेश है, ये वाले पहाड़ी वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था, वो पीछे वाला, वो वाला है, उसके उधर बांग्लादेश है। ये स्पॉट के इधर भी देखिए सोविनियर्स का शॉप है और जैसे यहाँ के बहुत सारे वाटरफॉल्स, जैसे ये डबल डेकर एक ब्रिज भी है, शायद हम नहीं जा पाएंगे इस बार, पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स के यहाँ के सोविनियर शॉप है, ऐसे हम ले सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ लेना हो। फिर इधर फूड स्टॉल्स भी है, कुछ कुछ गिफ्ट आइटम्स हमने भी ले लिया सोविनियर्स वहाँ से। तो अब शाम होने को है, सोचा था कि केव जाएंगे, केव शायद 5 बजे बंद हो जाता है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं गाँव की तरफ, कोई एक केव है इधर। और ये जो मोनोलिथ्स दिख रहा है आपको, ये मोनोलिथ्स शायद पुराने जो गांव के मुखिया वगैरह हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में बनाया है। और ऐसे ही यहाँ का देखिए लोकल गांव ऐसा है। तो चलिए चलते हैं अंदर, अगर केव खुला मिलता है अभी तो। तो ये 6 बजे बंद हो जाता है केव, और अभी तो 5:40 हो गया, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ घुस के। तो कल देखते हैं, अगर मैनेज होता है तो यहाँ भी आएंगे एक राउंड। तो अभी चलते हैं रूम की तरफ। छोटा सा एक होटल है यहाँ पे, एक मिला हमको, और ये चाय समोसा ऑर्डर किया था शाम का, चाय ठंडी में मस्त। तो ये वीडियो जैसे मैं एडिट कर रहा था मेरे ट्रिप का, तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो इसलिए ये वीडियो मैं डे 2 के एंड तक करके यहीं पे एंड करता हूँ पहला पार्ट। थैंक यू अगर आपने पूरा देखा यहाँ तक। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और अगले पार्ट में मैं डे 3 से दिखाऊंगा।